प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और बेहद इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आकृति 6.39 एक आकृति है। आकृति बना लेते हैं, चलो हम इसमें एक त्रिभुज दी है ए बी सी और इसमें फिर आगे इस तरह से बी हमारा समकोण हो गया पी एम और ये हमारे का समकोण। इसमें कहा है कि आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनमें कोण बी और कोण एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के और दूसरा सीए बटे में पीए बराबर है बीसी बटे में एमपी। तो ये दो पार्ट हमें सिद्ध करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर हम ओरल करें तो देखो दो त्रिभुजों की बात हो रही है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी की। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी और एएमपी में एबीसी और एएमपी ये जो कोण है ए, ये तो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। और त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है 90 डिग्री का है और एएमपी का कोण एम समकोण है 90 डिग्री का, तो ये भी कोण बराबर हो गए। तो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप हो गई। त्रिभुज समरूप होगी तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। त्रिभुज समरूप है तो संगत भाग समानुपाती होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भाग में संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो समानुपाती होगी। तो जब उसको समानुपाती लिखेंगे तो ये पार्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये इसका एक रफ आइडिया ले लिया हमने कि किस तरह से हमें चलना है। तो अगर इसका प्रूफ देखें तो सबसे पहले हमें लिख देंगे कि दिया है या फिर दिया गया है, हमें दिया है दो समकोण त्रिभुज, ए बी सी और ए एम पी जिसमें या जिनमें कर्मशः कोण बी और कोण एम समकोण है। समकोण है इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि कोण बी ये भी 90 डिग्री और कोण एम ये भी 90 डिग्री। हम ये भी कह सकते हैं कि कोण बी बराबर है कोण एम बराबर है 90 डिग्री। तो यहां से ये यूज करना पड़ेगा, हमें सिद्ध करना है। दो बात है इसके सिद्ध करने के, चलो लिख देते हैं। सिद्ध करना है फर्स्ट है हमारे पास त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के और सेकंड पार्ट है सी ए बटे में पी ए बराबर है बी सी बटे में एम पी। अब ये दो पार्ट हमें प्रूव करने। अब देखो आप कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में त्रिभुज ए बी सी में और ए एम पी में कोण ए बराबर है कोण ए, कैसा कोण है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। दूसरी बात कोण बी बराबर है कोण एम समकोण, दोनों में दोनों कैसे है समकोण है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण समरूपता कसौटी, के अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगी त्रिभुज ए एम पी की। तो एक पार्ट तो हो गया हमारा प्रूफ, एक आंसर आ गया। अब अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। देखो भुजाओं से संबंधित आ गया तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे में ए एम बराबर है बी सी बटे में एम पी बराबर है ए सी
बटे में एपी एपी। अब देखो जो हमें चाहिए है, हमें सी ए बटे में पी ए, ठीक है, देखो सी ए बटे में पी ए, ए सी और सी ए की बात है, एक तो ये रहा और एक है बी सी बटे में एम सी, एक ये रहा, तो ये ले लेते हैं हम इसमें से। हम लिख सकते हैं कि बी सी बटे में एम पी बराबर है ए सी बटे में एपी, या फिर इसको लिख सकते हैं ए सी बटे में एपी बराबर है बी सी बटे में एम पी, और इसको आप क्या कह सकते हैं, ए सी को हम सी ए कह सकते हैं और एपी को पी ए कह सकते हैं, ये बी सी है और ये एम पी है, तो यही तो हमें दिखाना था। हेंस टू देखो प्यारे बच्चों, अगर आप इसको समझें, पूरा बोर्ड बोर्ड इस क्वेश्चन में भर गया अगर इसके प्रूफ की बात देखें, लेकिन अगर इसके प्रूफ के बारे में सोचें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मिनट का काम है सारा का सारा। आपने देखा कि एक त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समकोण है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण दोनों में मिलेगा, यानी कि बराबर हो गए, और दोनों ही त्रिभुज में एक वर्टेक्स कॉमन है, यानी कि एक कोण दोनों का बराबर हो गया और एक 90 डिग्री वाला बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गए, समरूप हो गए, समरूप होगी तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो वहां से चला चला जाएगा, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट सही समझ में आ गए तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू वेरी मच।